Welcome students. Now we are going to start adaptation in plants. Okay, so first we are going to talk about adaptation in aquatic plants. Okay, so aquatic plants क्या है? जो भी marine plants होते हैं, marine मतलब जो भी plants किसमें water में रहते हैं, ठीक है? सो क्या है, हमने देखा था एडेप्टेशन का डेफिनेशन देखा था. एडेप्टेशन होता क्या है? एडेप्टेशन मतलब सराउंडिंग के हिसाब से उसमें ढलना, दैट इज़ नथिंग बट एडेप्टेशन, राइट? सो अभी हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? एडेप्टेशन इन प्लांट्स. प्लांट्स में जो एडेप्टेशन है उसके बारे में बात कर रहे हैं. तो सबसे पहला जो टाइप था उसका, वो किसके ऊपर था? एक्वाटिक प्लांट्स के ऊपर, ठीक है? सो एक्वाटिक प्लांट्स में क्या होता है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पूरा पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, ठीक है? देर आर सम प्लांट्स, ठीक है, जो हाफ फ्लोट करते हैं, उनका लीव्स और फ्लावर्स जो भी होता है वो क्या होता है, फ्लोट करता है ऊपर, और जो रूट्स रहता है वो किधर, सॉइल में रहता है, ठीक है? अच्छा, और भी कुछ है क्या? हाँ, कुछ ऐसे रहते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनका स्टेम समझ में आता है, ठीक है, जो रूट्स के ऊपर जो ट्रंक टाइप में रहता है, दैट इज़ नथिंग बट स्टेम. तो स्टेम उनका क्या रहता है, पानी में रहता है, ठीक है, एंड रूट्स भी सॉइल में रहता है, एंड ओनली फ्लावर्स और लीव्स ये कहाँ रहते हैं, वाटर सरफेस के ऊपर, ठीक है? सो एडेप्टेशन इन प्लांट्स में हमने देखा बहुत सारे अलग अलग टाइप्स है. कौन से? कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लोटस की बात करूँ, ठीक है, तो लोटस तो एक फ्लावर है, ठीक है, वो पानी के ऊपर क्या करता है, फ्लोट करता है, बट उसका जो रूट्स है वो पतला थिन रहता है एकदम, और वो किधर, सॉइल में ये रहता है, ठीक है, समझ में आ रहा है, बराबर? अभी नेक्स्ट जो टाइप था, और भी चीज़ें हैं जो एडेप्टेशन इन प्लांट्स का है. सो और क्या है, हाँ, जो भी ये प्लांट्स जो है अगर वो फ्लोट कर रहे हैं तो वो फ्लोट करने के लिए कौन हेल्प करता है उनको, ठीक है? तो प्लांट का जो भी स्टेम है ना, उसमें हम लोग बोलते हैं एक एयर स्पेस रहता है. एयर स्पेस मतलब क्या, कि वो प्लांट के अंदर ना हल्का सा होल रहेगा जिसके अंदर क्या रहता है, एयर फिल्ड रहता है, जिसकी वजह से वो प्लांट जो है वो क्या कर सकता है, फ्लोट कर सकता है, ठीक है? सो सेकेंड जो है वो है अपना एडेप्टेशन इन डेसर्ट प्लांट्स. ओके, कौन सा है? Adaptation in desert plants. ठीक है, तो जो भी plants किधर रहते हैं, desert में रहते हैं, उनके ऊपर. तो जो प्लांट्स डेसर्ट में रहते हैं, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए उनके पास कोई लीव्स नहीं होता है, कोई पत्ता नहीं होता है, ठीक है? अगर किसी भी प्लांट के पास अगर लीफ नहीं है तो वो क्या करेगा, उसके वो प्लांट आपको जनरली ग्रीन दिखेगा, ठीक है? ग्रीन क्यों दिखेगा, उसका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो ग्रीन कलर ही दिखेगा. क्यों? क्योंकि अगर कोई भी आप ट्री देखो, कोई भी आप प्लांट देखो, तो उसके जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं. क्यों? बिकॉज उनके अंदर क्लोरोफिल रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, उसका खाना, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, राइट? बट जो भी डेसर्ट प्लांट्स है इनके पास तो कोई लीफ नहीं है, तो इनका जो भी ट्रंक ही है, ठीक है, वो ही कैसा होता है, पूरा जो स्टेम ही है इनका कैसा होता है, ग्रीन कलर में होता है, ठीक है? क्योंकि वो पूरे स्टेम में ही क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है? सो इससे क्या समझ में आता है कि ये जो भी डेसर्ट प्लांट्स है ये अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, फूड कैसे प्रिपेयर करेंगे अपना, वो लोग अपना फूड अपने स्टेम से ही प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है? दूसरा चीज़, उनके पास अगर लीफ नहीं है तो देर इज समथिंग कॉल्ड ट्रांसपीरेशन, ठीक है? ये ट्रांसपीरेशन क्या है, लॉस ऑफ वाटर, ठीक है? सो अगर किसी भी प्लांट के पास लीफ है तो उसमें लॉस ऑफ वाटर होता है, लेकिन यहाँ पर तो डेसर्ट प्लांट्स में लीफ ही नहीं है, तो डेसर्ट में तो आपको पता है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इसी वजह से जब उनमें लीव्स नहीं है तो उसमें क्या, ट्रांसपीरेशन नहीं होता है, ठीक है? तो जब उसमें ट्रांसपीरेशन नहीं होगा तो वाटर लॉस ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया है, जो भी डेसर्ट प्लांट्स है दे हैव मॉडिफाइड देमसेल्व्स, राइट? अपने आप को क्या किया है, ऐसे मॉडिफाई किया है कि जो हो सकता है स्टार्टिंग में पहले लीफ हो, लेकिन वो क्या हो गया, वो उसको लीफ तो चाहिए नहीं, तो वो लीफ किस में डेवलप्ड हो गए, नीडल्स या फिर थॉर्न्स में डेवलप्ड हो गए, राइट? ताकि लॉस ऑफ वाटर ना हो, ठीक है? तो कौन कौन से एग्जाम्पल है, जैसे कैक्टस, आप सबको पता है, तो कैक्टस के पास कोई पत्ते हैं, कोई पत्ते नहीं है, ठीक है? और कुछ जो
प्लांट्स है, डेसर्ट प्लांट्स, उनका जो रूट्स है ठीक है वो बहुत ज़्यादा नीचे होता है, या फिर कुछ लोगों का जो होता है वो ज़्यादा नहीं होता है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ रूट्स रहता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि डेसर्ट में आपको पता है ग्राउंड वाटर जो होगा भी तो कितना बहुत नीचे होगा, इसके लिए जो भी कुछ जो प्लांट्स हैं डेसर्ट में उनके जो रूट्स है वो बहुत ज़्यादा नीचे रहते हैं। ठीक है, बराबर। सो जो थर्ड वाला है, जो थर्ड टाइप है, थर्ड टाइप इज अबाउट एडाप्टेशन इन स्नोवी रीजन्स। तो हमने ऑलरेडी बात किया था इसके ऊपर, मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था कि जो भी स्नोवी रीजन्स होते हैं उनमें जो प्लांट्स होता है दे आर इन अ कोनिकल शेप। ठीक है, तो उनका जो भी ट्रंक जो भी स्टेम होता है ये कोनिकल शेप में ही होता है। क्यों ऐसे? ठीक है, क्यों होता है वो कोनिकल शेप में? उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर क्या स्नो गिरते रहता है ना, बर्फ़ गिरते रहता है, तो अगर वो ऐसे फैला रहेगा कोनिकल शेप में नहीं रहेगा, कोई भी दूसरे शेप में रहेगा तो सारे बर्फ़ क्या हो जाएंगे उसके ऊपर जमा हो जाएंगे। ठीक है, तो जब बर्फ़ जमा हो जाएगा तो प्लांट को तकलीफ होगा, दैट इज़ द रीज़न क्या है वो कौन से कलर कौन से शेप में अपने आप को मॉडिफाई कर लिया है, कोनिकल शेप में। ठीक है, कोनिकल शेप में वो इसीलिए क्यों मॉडिफाई किया है, सो दैट उसके ऊपर आइस एक्यूमुलेट ना हो। ठीक है, अच्छा दो एग्जांपल जो हमको दिया है ये इम्पोर्टेंट है, दो एग्जांपल है देओदार एंड पाइन ट्री। ठीक है, सही है, और जो भी एक्वाटिक का था एक आप याद रख लो सिंपल लोटस। ठीक है, डेसर्ट में भी एक याद कर लो क्या, कैक्टस, राइट। ठीक है, सो ये तीन चीज़ है जो हमको बताता है जो भी एक्वाटिक प्लांट्स हैं और जो भी डेसर्ट प्लांट्स हैं और जो भी स्नोवी रीजन्स हैं, ये रीजन के हिसाब से अपने आप को क्या किया है, इन्होंने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया है। ठीक है, तो ये मॉडिफाई मतलब अडेप्ट कर लिया है वहाँ पर। ठीक है, अब मैं जो भी स्नोवी रीजन में था उसको अगर मैं डेसर्ट में डाल दूँ तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जो डेसर्ट में था उसको स्नोवी रीजन में डाल दूँ वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, जो एक्वाटिक था उसको डेसर्ट में डाल दिया वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो क्या बोलते हैं हम लोग, जो भी अडेप्टेशन है ये किसके ऊपर बेस्ड है, सराउंडिंग के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बाकी का जो भी है उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। टिल देन ये जो भी मैंने बताया आप अपने बुक से जाइए, तो बुक से एक बार रीड करो तो बुक में से सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जो जो मैंने बताया वही सब है। थैंक यू।